छे के पहले क्या आता है? आई हर परिवार वाला इज्जतदार आदमी हूं मैं, सेल्फ रिस्पेक्ट मैं भी रखता हूं। मेरी बीवी के इस टॉक टॉक की वजह से घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया मेरा। मैडम, आपकी वाइफ ने आपके लिए मैसेज भेजा है, उनसे कहिए कि मेरी कामयाबी से जलना छोड़कर चुपचाप घर वापस आ जाएं। आखिरी मौका दे रहे हैं, वरना तलाक दे देंगे। अगर मैं नहीं तो उन्हें कोई नहीं पूछेगा। लास्ट चांस। ये मजदूर कहाँ थे कातिया? लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। नहीं, कहीं से गोविंदा लग ही नहीं रहा है। ओए, ये सनी है, सनी। सनी है? तो पहले बताना चाहिए था ना, पता कैसे चलेगा? उठ, पहले फुर्सत में उठ। हुआ क्या? अरे उठ, 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 चाय, रख चाय, रख। अरे क्यों नहीं? चाय के लायक? अरे कुछ नहीं है। अरे यार कुछ तो खाने दो। किसी लायक नहीं है, निकल। अरे बदनाम भाई, बिना मतलब के फैल रहे हो यार। बात तो सुन लो। क्या ऑफर लेके आए हैं वो सुन लो। ऑफर? क्या? थाने में जाओ, चुलबुली का वाला एक रिएक्शन लेकर आओ, 5 रुपया दूंगा। 500? सच्ची? वो भी नगद? भरोसा नहीं, कसम खाओ। ये लो, चमकीले बालों की कसम खाओ। ठीक है, ले लो कसम। अरे भैया बैठो, बैठो। माफ करना, ए मलाई वाली चाय दे सबको। अब भी जाके लेके आता हूँ, और अब भी चुलबुली का आई। चाय पियो, 500 तैयार रखना तुम। जाओ जाओ, रिएक्शन लेकर आओ और 5 रुपए कमाओ। ए चला ना तुम। चाय में लास्ट वर्ड कौन सा होता है? अरे क्या हुआ? कोई चूटी काटकर भाग गया। कौन? हम तो जग रहे थे। अब आंखें खोल के जागना। हाँ, पुलिस स्टेशन में आके देखो चूटी काट के गया। कितनी हिम्मत बढ़ गई लोगों की। हाँ, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इस वक्त मैं हूं लखनऊ महिला पुलिस थाने के अंदर, और आप लोग देख रहे हैं सिटी न्यूज का लाइव एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। और मैं आ चुका हूं आज चुलबुली भाई से मिलने के लिए, उनके तन मन का दर्द जानने के लिए। अभी कुछ ही देर में चुलबुली भाई हमारे साथ होंगे और वो निकालेंगे अपने मन की भड़ास। तो आप लोग तैयार हैं? चलिए मिलते हैं चुलबुली भाई से। सर जी, सर हम समझ, सर आप हमारी बात, सर हम नहीं जानते कि कैसे गायब हो गया, कहां गायब हो गया। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं उसे ढूंढने की, हमारी हर जगह नजर है। हम आपसे क्या? ठीक है सर, अगर 48 आवर्स के अंदर भी हमें मिस्टर पांडे नहीं मिले तो हम इस्तीफा दे देंगे, ये हमारा वादा है आपसे। जय हिंद। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने न्यूज चैनल सिटी न्यूज में, और मैं हूं आपका अपना। बदनाम क्या कर रहा है, इतना हिल क्यों रहा है? बहुत नसीब वाले हो तुम, क्योंकि आपका वीडियो मैं बना रहा हूं। अगर आप ऐसे शूट करेंगे ना तो तुम्हारा क्रेडिट में नाम नहीं दूंगा मैं। सॉरी भैया, गलती हो गया, अब नहीं होगा। सिर हटाओ। सॉरी सर,
कैमरा थोड़ा नीचे। कहानी में नया ट्विस्ट, चुलबुली पिंजरे से गायब। आखिर चुलबुली गया कहां? क्या सिस्टम से नाउमीद होकर वो यहां से भाग गया, या फिर एक कामयाब पत्नी से फिरौती ऐंठने के लिए किसी ने किया चुलबुली का किडनैप? आखिर ये सब हो क्या रहा है? क्या कर रहा है हमारा प्रशासन, क्या कर रही है लखनऊ पुलिस, और क्या चल रहा है इस महिला पुलिस थाने के अंदर? ये सब जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। आप तक पहुंचेगा इस कहानी से जुड़ा हर फंडा, क्योंकि मैं हूं आपका अपना सनी चड्डा। भाई हम कब आने वाले हैं टीवी पे? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अपना अपना काम करो ना। क्या फालतू लोग हैं? चलो चलो चल चल। हेलो, महिला पुलिस थाने जनपद लखनऊ, सदैव आपकी सेवा में तत्पर, कहिए। बहुत खुशी हो रही तुमको? हाँ, बहुत खुशी हो रही तुमको हमारे यहाँ से कोई गायब हो गया तो? बेटा कह रहे हैं हम तुमको, हमको परेशान करना बंद कर, वरना जैसे चुलबुली गायब हुआ है ना, वैसे हम तुमको एक दिन ऐसा गायब कर देंगे ना कि खुद को भी नहीं ढूंढ पाओगे। क्या गुस्से में हमारी आवाज अमरीश पुरी जैसे? रख रख फोन, रख बे रख, वरना तुम्हारी जिंदगी में हमसे बड़ा विलन कोई नहीं होगा, समझ गए? देखा, इसको कहते हैं करे कोई और भरे कोई। पता नहीं कहाँ गया ये कम्बक चुलबुली, और जाते जाते मुंह पे कालिक पोत गया करिश्मा जी के। ना वो किसी को मुंह दिखाने के लायक रही, ना हमको छोड़ा, जाते जाते साबित करके गया कि वो कितनी कामचोर, गैर जिम्मेदार, कमकल और निठल्ली है। हम कहां से आ गए बीच में पुष्पा जी? आप बीच में कहां आ गई? आप तो सेंटर में है, आप तो सीनियर है ना हमारी, तो थाने में जो कुछ भी होगा तो जिम्मेदारी आपकी ही होती है। कल जब तक हम थे कुछ नहीं हुआ, सब ठीक था, जैसे ही हम थाने से गए चुलबुली फुर। फैमिली वाले हैं मैडम हम, घर जाते हैं ड्यूटी के बाद। तो हम भी तो घर ही जाते हैं, मौत के कुएं में मोटरसाइकिल थोड़ा ना चलाने जाते हैं सासू, मतलब पुष्पा जी। काएगो? सोच रही थी करिश्मा मैडम कैसी लगेगी मौत के कुएं में 10 का नोट लेती हुई। सॉरी, 100 का नोट लेते हुए। हाँ तो, अरे हम कह रहे हैं घर जाकर भी क्या उखाड़ लेती हैं आप, करना तो सब हमको ही पड़ता है ना। हाँ, अगर हम नहीं होते ना तो हमारा लल्ला भी कब का उड़ गया होता आपके पिंजरे से। पिंजरा? पिंजरा तो आप हैं, आपकी ये सास गिरी 24 घंटे की कुन 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 कुन, वो तो ड्यूटी पर है इसलिए आपको कुछ कह नहीं रहे हैं, वरना वरना छोड़िए वरना क्या ट्रांसफर रिक्वेस्ट भेजे आपकी छत्तरपुर के चौकी में। माँ का ना एक सीरियल किलर है, वो चुन चुन के गोलगप्पी सासों का मर्डर कर रहा है, बोलो भेजे। अरे मेरी प्यारी बहू रानी, हम तो मजाक कर रहे थे। बताओ ना, चाय पियोगी या जूस? अरे बैठो बैठो बैठो। अच्छा, अच्छा। बैठो बैठो, हम अभी पंखा, पंखा तो है नहीं यहाँ पे, हम हवा देते हैं आपको। नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हमको अभी याद आया, कल हमारे जाने के बाद चीता ड्यूटी पे था, क्यों भी चीते? भगवान गवाह है, भगवान गवाह है, पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ अपनी ड्यूटी निभाते हैं हम, एक पल के लिए भी आंख नहीं झपकती हमारी। कैसे झपकेगा? आंखें झपकने के लिए ना आंखें खुली भी होनी चाहिए, सोते सोते आंखें कैसे झपकाएगा तू? कर लो बेइज्जती कर लो, वैसे भी आपकी बेइज्जती बेइज्जती नहीं, प्यार महसूस होता है। जय हिंद। क्या हुआ मैडम सर, कुछ पता चला चुलबुली के बारे में? नहीं मैडम सर, कोई आइडिया नहीं है कि अचानक कहां चले गए मिस्टर कमलेश पांडे। तो फिर मैडम सर, अगर वो नहीं मिलेंगे तो आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। हाँ, हम यहाँ की थाना इंचार्ज हैं, तो इस गलती का खामियाजा भी हमें ही भुगतना होगा।
जाओ वहीं रुक जाओ वरना गोली चला दंगो। का समझे चादर ताने सो रही है पुलिस? थाने को ख्याल रखने वालों कोई ना है? चुपचाप निकल लो वरना बॉडी में इतने छेद करोगे कि आत्मा भी कंफ्यूज हो जाएगी कि निकले तो निकले कहां पे। ऐसे क्या लगता है आप लोगों को कि कहां गए होंगे मिस्टर पांडे? जैसे अपने आप को यहां आके पिंजरे में बंद कर लिया था ऐसे किसी कमरे में अपने आप को बंद कर लिया होगा उन्होंने। नहीं नहीं हमको लगता है अगर उनको छुपना ही था तो पुलिस स्टेशन में क्या बुराई थी। वैसे कहना तो नहीं चाहिए मगर उन्होंने ना आत्महत्या कर ली है मैडम सर। वो पीछे ही तो रेलवे का ट्रैक है ना। ओ ये ट्रैक के बारे में तो सोचा ही नहीं मैंने। पर आत्महत्या करने के लिए इतना दूर जाने की क्या जरूरत थी? सामने वाले ऑफिस से ही कूद जाते। पर सामने वाला ऑफिस तो एक ही मंजिल को है। फर्स्ट फ्लोर पे गिर करके कोई मर कैसे पाएगा? तीन चार बार ट्राई करते ना तो हो सकता था चीती। बस यही मासूमियत पे जान छिड़कने की इच्छा है जावे हमारी। तुम अलग टोपा आदमी हो। तुम्हें मासूमियत और मेंटल डैमेज में फर्क मालूम नहीं होता है। मैं समझी नहीं मैडम। तुम ज्यादा समझने की कोशिश भी मत करो। क्या है ना जो चीज ज्यादा कमजोर होती है ना उस पर जोर नहीं डालती वो हमेशा के लिए खराब हो जाती है। अब हम कह रहे हैं ना ज्यादा सोचो मत बकने दो इनको सोचो मत। ओके। अरे वाह क्या माहौल। हेलो कहाँ घुसा रहे हो तुम? हाँ अरे आदत से मजबूर खबर और परफ्यूम खुशबू होनी चाहिए बस बंदा हाजिर है। अरे ऐसी खबर के लिए तो बंदा शेर की मांद में घुसा है ये तो फिर भी मेरा ससुराल है। बाहर मिल अगर माइको लाल है। फिलहाल तो पापी पेट का सवाल और मुझे आप सबसे पूछने कुछ सवाल है पूछू? नहीं थैंक यू। तो क्या सच में चुलबुली गायब हो गया है? चुलबुली गया कहाँ है? पुलिस कुछ कर क्यों नहीं रही है? हाथ पे हाथ धरे क्यों बैठी है पुलिस? कुछ क्यों नहीं कर रही है पुलिस? तू निकल यहाँ से निकल 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 यार तो हम निकालें बाहर बाहर चल बाहर चल। अरे यार सुन तो लो बात। हसीना मैडम से मेरी डील हुई थी कि सारी खबर सबसे पहले मुझसे शेयर करेंगी। अरे मैडम सर रोकती क्यों नहीं है बाहर निकाल रहे मुझे? अबे ओए सन्नी सुन ले लपड़ झन्नी तेल में तल के तो ओखली में कूट के छन्नी में छान के तेरा बुरा तो हवा में नहीं उड़ाया ना तो मेरा नाम भी चीता चतुर्वेदी नहीं बाहर चल। अरे मैडम चीता चतुर्वेदी शांत हो जाइए आप लोग। अब आप इन्हें भी अपने जज्बातों के एंगल से समझाएंगी मैडम सर? और नहीं तो क्या थाने के जिम्मेदार लोग जज्बातों की भाषा समझ नहीं रहे तो ये क्या समझेगा है कि नहीं करिश्मा मैडम? आप लोग जरा हमें बोलने का मौका देंगे कभी? यस मैडम सर गो अहेड। थैंक यू। सनी चड्डा और आप लोग भी देखिए। सो नाउ इज द टाइम फॉर सम फन टाइम और आज का वीडियो है सिर्फ आपके लिए। आप आए हमारे टॉक टॉक वीडियो में और बाहर आई ऐसा नहीं चाय पकड़। अरे जल्दी पकड़ यार टाइम नहीं है। हमारे लिए एक स्पेशल चाय बनाओ। अरे सनी भाई कैसे हो? अरे यार इतने बड़े रिपोर्टर हो गए हो हमारे लिए भी कुछ करो ना। मेरी नई वाली हेयर स्टाइल देखो। एक काम कर इधर आ इधर देख दूसरी तरफ नीचे ऊपर दांत दिखा। नहीं यार मजा नहीं आ रहा। नहीं नहीं क्यों क्या हुआ? वो कुछ नहीं यार मेरा एक दोस्त है राजू वो फिल्में बनाता है मुन्ना भाई टाइप जैसा कुछ तो। राजू हिरानी? अरे वो तो बहुत बड़े डायरेक्टर हैं। अरे बहुत बड़े डायरेक्टर तुम्हारे लिए हैं मेरे लिए तो बचपन के दोस्त हैं मेरे। अरे मैं राजू बोलता हूँ यार। अब वो क्या नई फिल्म बना रहे तो उनको एक नया हीरो चाहिए। हीरो? लेकिन क्या है ना वो हीरो स्मार्ट होना चाहिए यार। वो तो मैं हूँ। हाँ स्मार्टनेस तो चलेगी लेकिन हैंडसम होना चाहिए। हैंडसम वो भी मैं हूँ।
हाँ यार वैसे काम तो चल जाएगा लेकिन उसको ना मिमिक्री आनी चाहिए। अरे नहीं यार, सनी सर सनी सर सनी सर, जिसको आप ढूंढ रहे हो आपके सामने खड़ा है। लेकिन तुम हैंडसम नहीं हो ना। हाँ यार खामोश। कभी कभी तो लगता है साला आपको नहीं बहुत बड़ा भगवान है, यानी बहुत बड़ा एक्टर है। सनी सर मेरे को एक बार चांस दो, मैं माँ का बाप का सबका कसम खा कहता मैं बहुत बड़ा एक्टर बनेगा। अरे देखो सनी सर बेटा, तुम जानो हम जो है हॉलीवुड करके बैठे, हॉलीवुड समझते हो ना। सनी सर आपको इंडस्ट्री को बहुत बड़ा स्टार देने का चांस मिल रहा है, गवा मत। नहीं यार मजा नहीं आ रहा है, वो फील नहीं आ रही है। हाँ और मेहनत करो, ये चाय पकड़ो अगली बार देखेंगे। सनी सर कुछ कीजिए प्लीज, हमारा चक्कर चला दीजिए। अरे हम तुमको जो है साल भर पूरा चाय फ्री में पिला देंगे, प्लीज कर दीजिए आप। अरे तुम समझ नहीं रहे हो, हम चक्कर तो चला दें लेकिन कोई अपना आदमी हो जो हमारे लिए मेहनत करे, हम उसके लिए मेहनत करेंगे ना। अब देखो ये पुलिस थाना है, इसके अंदर क्या चल रहा है क्या हो रहा है कुछ पता ही नहीं है। ऊपर से उस घायल आशिक ने मेरी एंट्री भी बंद कर दी। अब यहीं कोई अपना आदमी होता वो अंदर जाता, सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता, बाहर आता, मुझे बताता, मैं अपने न्यूज चैनल पे दिखाता, फिर मैं उसे स्टार बनाता ना। अरे ऐसे थोड़ी किसी को भी उठा के स्टार बना दूंगा। नहीं यार। अरे सलीम भैया तुम्हारा काम हो गया। अरे 2 मिनट रुको। आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए ना। अरे मिल गई समझो। सनी भाई ये सबको कटिंग पिलाता है, आपने इसका ही काट दिया। अबे तू जाके अपना काटना, चाय देके जा। चल आप ही ने दी थी ना चाय, तो ले भी रहा हूं ना मैं। चल, चल, मैं ही पीऊंगा। चल चल चल। मैडम सर से ये उम्मीद नहीं थी, ये तो सरासर नाइंसाफी है। अरे अगर मैडम सर को चुलबुली के साथ वीडियो बनाना ही था तो पम्मी को क्यों समझाया ये टॉकटॉक वीडियो बंद करने के लिए। तुम ना थोड़ा संभाल के रहो नहीं तो दोनों हाथ ऐसा लेके घूमोगे बताए रहे। गलत तो किया है मैडम सर ने, यार हमसे वीडियो बनवा लेते ना, पूरा लखनऊ लाइक करने पे मजबूर हो जाता। ऐसे कैसे पूरा लखनऊ लाइक करने पे मजबूर हो जाता, सिर्फ हम करते लाइक। हमारा लाइक मतलब पूरे लखनऊ, पूरे शहर, पूरे देश, पूरे ब्रह्मांड का लाइक। आई बात समझने में आता हो गया तेरा खेपड़े। मैडम ये सोचने वाली बात है ना कि चुलबुली पांडे मैडम सर के साथ वीडियो बनाने के लिए तैयार कैसे हो गया। मुझे तो लगता है कि अम्मा बोलो तो क्या, कि ये मैडम सर और ये चुलबुली पांडे का कुछ चल रहा है। एक तो तुम्हारा ये काम है, ऊपर से तुम मैडम सर का किसी के साथ भी चलवा रही हो। ये इनके साथ रहना बंद करो तो ही तुम्हारी सुधरने की संभावना है। क्या 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 कहा आपने, हम कुछ समझे नहीं। नहीं नहीं जो हमने कहा ना आप सही समझे हैं। मैडम नहीं हम कुछ समझे नहीं, जरा फिर से समझाइए हमको। बात ये है कि आपको समझ में आता ही नहीं है, क्योंकि अगर आप समझती ना तो हमें इतना तकलीफ नहीं होता, ना घर पे ना यहाँ थाने में। सही कह रही हैं आप, हम कुछ नहीं समझते, हम बहुत भोले भाले हैं। अगर हम समझ लिए होते ना आपको तो हम हमारे लल्ला को अच्छे तरीके से समझाते कि आपके सर पे किसी का साया है और उससे दूर रहिए। साया मतलब, साया मतलब शैडो, शैडो हमें पता है। साया से मतलब क्या, हम चुड़ैल हैं? हम तो कुछ नहीं कह रहे हैं आपसे। नहीं नहीं साया का मतलब तो ऐसे ही होता है, साया होता है चुड़ैल का, तो मतलब हम चुड़ैल हैं। तो आप कुछ हमारी बात तो सुनिए। हम चाह रहे हैं कि हमारी संतोष जी कछु कहना चाह रही हैं, सुन लियो जाए। हाँ बको। मैडम आप ये सब छोड़ो, आप ये सोचो ना कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता। हम सब जानते हैं ना कि हसीना मैडम अपने लिए लड़का ढूंढ रही है, और ये जो चुलबुली पांडे ये भी दुखी है अपनी बीवी से। दुखियारी आपस में मिल गए होंगे, मन का कनेक्शन जुड़ गया होगा, प्यार का शॉर्ट सर्किट हो गया होगा, दिल का बिल आ गया होगा, हो सकता है ऐसे। संतोष जी आप लिखती क्यों नहीं है,
लिखती तो हूँ मैं, पूरा थाने का वो जो FIR होता है, ड्राफ्ट होता है, पूरा राइटिंग का काम मैं ही करती हूँ। तुम दोनों बकैती बंद करोगे? हाँ संतु, कुछ भी बोल रही हो तो, ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है ना, देखो प्यार और जुकाम कभी भी हो सकता है, कोई भरोसा नहीं। सॉरी। अच्छा तो मैडम सर के जज्बात अब इस कदर बढ़ गए हैं, देखते हैं कि मैडम सर अब रेजिग्नेशन देती है या फिर अपने जज्बातों की बांसुरी बजाती है।